देश के लिए दुखद क्षण है और हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, क्या कहना है? देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का दुखद निधन का समाचार जैसे ही मिला है, माननीय प्रधानमंत्री जी सहित उनका परिवार तो दुख के सागर में डूबा ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पूरे देश को अपना परिवार ऐसा मान करके सेवा में समर्पित हैं, तो पूरा देश भी माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी के निधन पर और प्रधानमंत्री जी के परिवार को अपना परिवार मान करके इस दुख का हिस्सेदार बन रहा है। यह पूरे हिंदुस्तान के लिए अत्यधिक गर्व का विषय है कि जिस माँ ने श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे सुपुत्र को जन्म दिया, प्रथम गुरु माता को माना जाता है, प्रथम गुरु के नाते उन्होंने जो अपने बेटे को संस्कार दिया, सेवा की भावनाओं को जागृत किया, आज उन्हीं माँ के आशीर्वाद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में अपनी जीवन यात्रा शुरू करते हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के नाते के रूप में काम करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जो उन्होंने गुजरात का विकास का जो मॉडल है, जो मोदी मॉडल के रूप में आज पूरे देश के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है, और अब वह देश के प्रधानमंत्री के रूप में तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित जी चाहता है, देश की भूमि मैं तुझे और कुछ दूं, देश की जनता मैं तुझे और कुछ दूं, इस भाव से जो काम करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जी के लिए शायद मैं समझता हूं इससे जीवन में व्यक्तिगत तौर से दुखद क्षण दूसरा कोई नहीं रहा होगा। वह बहुत माँ से प्यार करते थे, हर माँ अपने पुत्र को प्यार करती है, लेकिन हर पुत्र भी माँ से उतना ही प्यार करता हो, यह कुछ कहीं कहीं कम दिखता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, और आज से वह अब उनको देवलोक में रह करके आशीर्वाद अपना प्रदान करेंगी। मैं इस दुख की घड़ी में परम पुण्य आत्मा प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ, भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ, उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और प्रधानमंत्री जी सहित उनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दें। किशोर जी, बनारस में कई कार्यक्रम भी थे आज आपके, तो उन्हें टालना भी गया है या क्या है, और श्रद्धांजलि सभा में भी आप कार्यक्रम? तो माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के निधन के बाद अभी हमने जो कार्यक्रम बड़े साइज के जो ग्राम चौपाल के थे वह होने थे, अभी उसको थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने ऐसा तय किया है कि उसको स्वरूप में न मना करके कोई एक कार्यक्रम में मैं जाने का प्रयास करूंगा, लेकिन कार्यक्रम होंगे, चौपाल होंगी, अधिकारी जाएंगे, पूरी टीम जाएगी, और जो गांव की दृष्टि से काम होना है वो काम होगा, और कोशिश करेंगे कि फिर अगले शुक्रवार में, जब हर शुक्रवार को चौपाल होनी है, तो फिर आने का काम करेंगे। अभी तो यही तय किया है कि चौपाल का जो कार्यक्रम बड़े भव्य और दिव्य तरीके से गांव की समस्या, गांव में समाधान की भावना से होने जा रहा था, उसको अभी मैं स्वयं जा करके जो दो दो तीन तीन घंटे बैठने का कार्यक्रम था उसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया। तो दुखद क्षण और डिप्टी सीएम शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।